दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। आप पीसी से भी जा सकते हैं, मोबाइल से भी जा सकते हैं। जाने के बाद आपको सर्च कर देना है SSV ट्रांसपोर्ट करते ही, या फिर जो फर्स्ट साइट आपका सामने ओपन होके आएगा उसी में आपको क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो मेरा सजेशन है, पहले आप साइन इन कर ले, रजिस्टर कर ले साइट पे। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो टिकट है उसका हिस्ट्री जो भी है सारा आप देख सकते हैं, और आपका टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई इशू होने से आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो साइन अप का ऑप्शन है इसमें आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आएगा साइन अप। साइन अप का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आपको क्लिक कर देना है। अभी देखिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम टाइप करना है। आप चाहे तो आपका फुल नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी टाइप करेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि स्ट्रांग होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद साइन अप में क्लिक कर देना है। साइन अप में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों, साइन अप में क्लिक करने के बाद आपको और एक पेज ओपन होगा। आपका बेसिक डिटेल्स हमें पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे आपका नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया। तो आप यहाँ पे एक के बाद एक फिल करेंगे। जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा सिर्फ, और पेरेंट्स नेम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आपका रेजिडेंट मतलब रजिस्टर्ड एड्रेस आपका हमें टाइप करना होगा नीचे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे। उसके बाद एक आईडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट किया हूँ, और जो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पे नीचे टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद सेव में क्लिक कर देंगे। देखिए, सेव में क्लिक करते साथ आपको यहाँ पे पॉपअप शो होगा, सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हो चुका है रजिस्ट्रेशन, ओके कर देंगे। उसके बाद आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन रहेगा। यहाँ पे देखिए व्यू टिकट्स, आप कितने टिकट लिए हैं, फिर यहाँ पे व्यू लैगेज, पास चेंज पासवर्ड, आप चेंज पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसके बाद लॉगआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी टिकट लेके आपको दिखाऊंगा कैसे आप टिकट ले सकते हैं SSV का। उसके लिए आपको यहाँ पे बस बुकिंग का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊपर, बस बुकिंग में आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म, और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप पहली बार इस साइट पे आए हैं तो फर्स्ट टाइम ही आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। उसके बाद ये पेज फर्स्ट में ओपन होगा जैसे कि पहले हुआ था। उसके बाद इसमें आप साइन इन में क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा नाम ऊपर में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं साइन इन कर चुका हूँ, अभी रजिस्टर किया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा साइन इन जो है अभी तक ऑन है, मतलब ओपन है। तो आप इसमें साइन इन, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा साइन इन का, साइन इन में क्लिक करेंगे। आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर किए हुए हैं उस मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे, जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसी पासवर्ड को टाइप करेंगे। उसके बाद आप टिकट ले सकते हैं इजीली। उसके बाद आपको बुक बस में क्लिक करना है, फिर एक पेज ओपन करना है, उसके बाद आप टिकट लेंगे। तो पहले आपका मैं फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। मैं रंगत से पोर्डर जाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म रंगत सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद टू पोर्डर, उसके बाद नीचे जो डेट है आपको यहाँ पे क्लिक करते ही एक कैलेंडर ओपन होगा आपका सामने। आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर से, कौन सा डेट में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 महीने का मैंने कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा। सर्च में जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कितना बस उस दिन जाने वाला है और कौन कौन सा टाइम में जाने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप SSV ट्रांसपोर्ट लाइन्स। तो यहाँ पे एक है 5:30 बजे, एक है 11:15 को। तो मैं जो भी जिसमें भी जाना चाहता हूँ उसका साइट पे यहाँ पे लिखा होगा, देखिए सेलेक्ट सीट। ठीक है, तो पहले मैं सेलेक्ट सीट में क्लिक कर दूंगा। 270 रुपीज़ है इसका टिकट्स। तो सेलेक्ट सीट में क्लिक करने के बाद बस का जो स्ट्रक्चर है आपका सामने ओपन हो जाएगा। सीट सब थोड़ा सा लोड होने में, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे बस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको शो हो जाएगा, सीट भी शो हो जाएगा। आप यहाँ में जो ग्रीन है वो बुक हो चुका है, और जो यहाँ पे वाइट कलर का है यह आप बुक कर सकते हैं कोई भी सीट। तो जो भी सीट आप लेना चाहते हैं उसमें आपको क्लिक करना होगा, एक है तो एक, नहीं तो दो, तीन, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो मैं एक आपको ले कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैं सेलेक्ट करता हूँ, 16 नंबर। सेलेक्ट करने के बाद साइट पे यहाँ पे शो हो जाएगा,
और ऊपर आपका पेमेंट का ऑप्शन भी है, आपको दिख जाएगा कि कितना पेमेंट आपको करना है। आपका टिकट का रेट है 270, ठीक है, और आपको अब जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसका चार्ज आपको देना होगा 40 रुपीज़ पर टिकट में, तो उस टोटल हो गया 310। तो अभी मैं अपने डिटेल्स भरूंगा, मैं पैसेंजर हूँ तो मेरा डिटेल्स यहाँ पे होगा। पहले मेरा नाम फुल टाइप कर देना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स नेम होगा आपका, एज टाइप करना होगा, उसके बाद आईडी टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कोई भी एक आईडी, और साइड में आईडी नंबर, जो भी आईडी आप सेलेक्ट किए हैं उसका आईडी नंबर आप टाइप कर देंगे। सब फिल कर देंगे, उसके बाद देखिए नीचे लिखा होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होगा, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और बोर्डिंग पोर्ट, बोर्डिंग पोर्ट यानी कि जहाँ से आप बस में चढ़ेंगे वो जगह आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब बोर्डिंग पोर्ट का नीचे आप सेलेक्ट करेंगे सारा जगह का नाम यहाँ पे आपको शो होगा, तो आप यहाँ पे अपना जगह सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आप चढ़ना चाहते हैं बस में, तो वहाँ का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं रंगत से चढ़ना चाहता हूँ तो रंगत में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एग्री में यहाँ पे जो एक बॉक्स है इसमें आपको टिक करना होगा टर्म एंड कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें टिक करेंगे और कंफर्म बुकिंग में क्लिक कर देंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सामने एक क्यूआर कोड ओपन होगा, आपका गूगल पे है, फ़ोन पे है, कुछ भी है, आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। इस पेज को आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है फ़ोन में करना है, उसमें आपको अपना स्कैनर ओपन करके इसको एक बार कोड को स्कैन कर लेना है, सॉरी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ये पेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर आपका टिकट जनरेट करके सामने ला देगा, तो उसको आपको सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन या फिर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। देखिए मैं पेमेंट कर देता हूँ, इस पेज को मैं कुछ नहीं करूँगा, बस फ़ोन से मैं पेमेंट कर दूँगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ऐसा ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा फ़ोन से पेमेंट होते ही, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऑटोमेटिक लोड लेगा। ये देखिए टिकट जनरेट होकर आ चुका है, कंग्रेचुलेशन, योर बुकिंग इज़ कन्फर्म्ड। तो यहाँ पे डाउनलोड टिकट का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद टिकट डाउनलोड हो जाएगा, और फ़ोन से हो या पीसी से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है टिकट को, टिकट आप अपना मोबाइल से शो करके आप जा सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।